बारिश आ गई, समोसे मंगाए, बारिश बड़ी तेज़ आ गई, काले काले बादल आ गए, ब्रेड पकौड़े खाएं, मौसम इतना प्यारा हो रहा है, ब्राउनी खाएं। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। मॉनसून बारिश है, जैसे ही बारिश गिरती है ना सबकी क्रेविंग्स जाग जाती है, और जैसे ही बारिश आएगी सबके स्विगी, जोमेटो, इन सब पे ऑर्डर होने चालू हो जाएंगे। तो हमारी वेट लॉस जर्नी का ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, आपके जो हेल्थ के इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस, मैं ऐसा करके दिखाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी, वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक मॉनसून का डाइट चार्ट वेट लॉस से रिलेटेड, जिसकी हेल्प से आपकी क्रेविंग्स ख़त्म होगी, आपका जो चटपटा खाने का या फिर कुछ मीठा खाने की एक क्रेविंग है या फिर कुछ एक तलब सी जगती है, वैसे 10-15 मिनट का गेम होता है ये क्रेविंग्स का ना, उसको शांत करने के लिए मैं बहुत सारी रेसिपीज़ इस डाइट चार्ट के साथ लेके आई हूँ। एंड मेजर एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, बारिशों में बीमारी, सर्दी, जुकाम, बुखार, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर आपका कफ कंजेशन होना, या फिर आपकी पूरी बॉडी टूटी होना, बस पड़े रहो बेड पे, ऐसी सिचुएशन में हमें नहीं जीना ना। मॉनसून है, इन्जॉय करना है, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, और फेस्टिवल आ रहा है, राखी आ रही है, सो इसका मतलब ये नहीं है ना कि राखी पे अपनी तोल लेकर हम जाएंगे और सूजे हुए मुँह लेकर जाएंगे, नो 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 नो। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉनसून के डाइट चार्ट के से रिलेटेड, और ये डाइट चार्ट कब तक वैलिड है, सितंबर एंड तक हम ये डाइट फॉलो कर सकते हैं। सो पॉइंट इसके, ये डाइट कौन कौन फॉलो कर सकता है, पीसीओडी पेशेंट, यस, जिन जिन लोग शुगर को छोड़कर हर कोई ये डाइट फॉलो कर सकता है, जो भी शुगर पेशेंट है, एंड पाइल्स के जो पेशेंट है, पाइल्स एंड शुगर के पेशेंट को छोड़कर हर कोई ये डाइट जो है फॉलो कर सकता है। ये डाइट बहुत ही फिलिंग है, इसमें क्रेविंग्स होने के नाम मात्र चांसेस हैं, और ये जो डाइट है ये अगर आप टाइमिंग्स पे फॉलो करेंगे आपका डेफिनेटली लूज होगा 6 to 7 किलोज इन अ मंथ, 6 kgs के आसपास एक महीने के अंदर। ये जो डाइट है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी रेसिपीज़ हैं, बट मेक श्योर 4 बातें, एक्स्ट्रा ज्ञान देने वाले लोगों को लाइफ से बाहर, जितने भी लोग आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं, माइंड भटकाते हैं, ऐसा फ्रेंड सर्कल या ऐसे कलीग या ऐसे लोग जो आपको बाहर के खाने का फोर्स करते हैं, एक बाइट ले लो कुछ नहीं होता, ऐसे लोगों को बिल्कुल लाइफ से बाहर। सेकेंड इज फिल्टर कर लो ना, फिल्टरेशन लगा लो ना कुछ टाइम के लिए अपनी अपने लाइफ में, जो जो लोग वैलिड हैं उनको रोको, जो जो लोग दिमाग ख़राब करते हैं उनको थोड़ा सा बाहर कर दो। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। थर्ड इज स्लीप का ध्यान रखना। फोर्थ, अपने वेट का ट्रैक करना है। कैसे ट्रैक करना है, किसी भी एक बंदे को पकड़ो, मेरा ट्रैक कृष्णा करती है, मेरे घर की बच्ची है, यहाँ पर रहती है, और आपका ट्रैक कौन करेगा, आप अपने किसी दोस्त को पकड़ो, पिताश्री को पकड़ो, माताश्री को पकड़ो, भाई भाभी, किसी को भी पकड़ो, और आपका वेट लॉस का ट्रैक होना चाहिए। सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद बिना कपड़ों के डेली का वेट चेक, अगर आपको पॉटी नहीं आया जस्ट यूरिन पास करेंगे, सारा कपड़ा हटाएंगे और वेट चेक करेंगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी ऐसे करने के बाद कि कोई किसी को आप पे करो या फिर किसी को आप पर्सनली कंसल्टेशन लो, ऐसे तरीकों से भी आप अपने आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। अपने पैसे बचाओ, अपना कुछ घर बनाओ, अपना कुछ सामान बनाओ अच्छा, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। सो या, अब हम स्टार्ट करते हैं डाइट का। स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि हम लेंगे 7 to 7:30 बजे के बीच में। उसके लिए चलते हैं किचन में। ओके जी, सो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं मॉर्निंग शॉट्स। उसके लिए मेरे पास ये है अदरक, आपकी फर्स्ट फिंगर जितनी अदरक, इसको अब हम कद्दूकच करेंगे। ओके जी, सो ये रही कद्दूकच की हुई अदरक, ये हम यहाँ पे डालेंगे, ताज़ा अदरक का जूस निकालेंगे 1 चम्मच जितना, खूब अच्छे से। और ये जो अदरक है इसको आप तड़के में यूज़ कर सकते हो, दैट्स इट, इतना जूस हमें चाहिए 1 चम्मच जितना। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं पिंच ऑफ हल्दी, और अब इसके अंदर अपन डाल देंगे 1/2 कप जितना गर्म पानी, दैट्स इट। और ये बन गई जी हमारा मॉर्निंग ड्रिंक का शॉट। ओके जी, सो अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। नाउ ब्रेकफास्ट के लिए ना फटाफट स्विगी और जोमैटो से ओपन करके वो नहीं करना कुछ ना कुछ ऑर्डर। अगर बारिश बड़ी तेज़ आ रही है तो हम बनाते हैं ना हमारी वेजीज और ओट्स की टिक्की, कैसे बनानी है चलते हैं किचन में। अब बनाने जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए हम बनाएंगे वेजीज टिक्की। सो उसके लिए हमारे पास हैं थोड़ी सी सब्जियाँ धुली हुई अच्छे से, ये है वाइट गोभी, 1 शिमला मिर्ची, 1 प्याज। सो इनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करा है।
ना पॉइंट इज कि अगर इसको हम गीली यूज़ करेंगे सब्जियों को तो टिक्की बिल्कुल नहीं बनेगी। सो वॉश करने के बाद इसको टिश्यू पेपर से अच्छे से ये सब्जियाँ जो है हम साफ कर रहे हैं। इसका जितना भी एक्सेस वाटर है वो सारा हम यहाँ से निकाल देंगे। एंड मेक श्योर जब भी आप शिमला मिर्ची यूज़ करते हो उसके ये जो बीज हैं इसको बिल्कुल रिमूव कर दिया करें। तो ये रही हमारे पास सब्जियाँ, इसको खूब अच्छे से अब हम साफ करेंगे, जितना एक्स्ट्रा वाटर है सब निकाल लेंगे। सो ये सब्जी बिल्कुल सूख चुकी है। चलिए जी, सो अब इन सब्जियों को हम ब्लेंडर में डालेंगे, इनको हम बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल अच्छे से। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो ये रेसिपी हार्डली लेगी 5 से 10 मिनट बनने में ना। इन सबको इसमें डाला, ये जो अदरक हमने यूज़ करा था वो भी इसमें डाल दिया। मैं इसके अंदर 1 चम्मच जितना पानी डाल रही हूँ, दैट्स इट, 1 करछी जितना, ताकि ये सब्जियाँ अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। सो अब ये जो मिक्सचर है इसका हम थोड़ा बहुत जो भी एक्सेस ऑफ वाटर है वो निकाल देंगे। अब बस यही हमें चाहिए। इसको आप किसी भी सूप के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमने डाल दिया जी हमारे बाउल में, बढ़िया। ओके जी, सो अब इस मिक्सचर के अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 50 ग्राम पनीर है मेरे पास। बहुत अच्छे से हम, आप टोफू पनीर यूज़ कर सकते हैं, अगर आप पीसीओडी पेशेंट हैं आप टोफू यूज़ कीजिएगा यहाँ पर। और अगर तोफू पनीर नहीं मिल रही है देन आप होममेड पनीर यूज़ कीजिएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े बहुत हमारे स्पाइसेस। ये रहा नमक, सबसे पहली चीज़ नमक गया। नेक्स्ट इस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर। नेक्स्ट इस मेरे पास है यहाँ पर कस्तूरी मेथी। नेक्स्ट पिंच ऑफ हिंग पाउडर, सूखा धनिया पाउडर। नेक्स्ट इस इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से ओट्स, 1 से 2 चम्मच। ओके जी, अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। परफेक्ट, अब हम बनाएंगे इनकी टिक्की। थोड़ा सा लगाएंगे यहाँ पे घी। और ये जो हमारी टिक्की है अब ये डाल देंगे 1, 2, 3, 4। ओह, ब्रेकफास्ट इज रेडी। वेलकम बैक जी। सो ये जो आपका क्रंच और चटपटा खाने का मन है ना, वो ये मेरी टिक्कियाँ कवर कर देंगी। इसके साथ बड़ी प्यार सी अच्छी सी आप अपनी मसाला चाय बनाओ, दूध वाली, बिना चीनी के यहाँ। उसके साथ ये चीज़ पूरा आपका क्रेविंग जो है वो शांत हो जाएगी। बट जिस दिन लोगों का टिक्की खाने का मन ही नहीं है तो वो लोग क्या खाएंगे, वो यहाँ पे सैंडविचेस ले सकते हैं। बहुत सारी सैंडविचेस की रेसिपीज हैं मेरे चैनल पे। आलू का परांठा ले सकते हैं, अचारी परांठा ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हो रोटी एंड सब्जी, जौ और ज्वार की रोटी विद एनी ड्राई सब्जी जो भी आपके घर पे बने बिना मिर्ची के। इसके अलावा भी आप पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं। एंड अगर आपका मन है कि नहीं जी मुझे तो इडली खाने का मन है, सो इडली चाट मेरी रेसिपी है। आप इन सब के जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ये ले सकते हो। इसके साथ एक बढ़िया सी अदरक वाली आपकी चाय डेफिनेटली अलाउड है, और उसके बिना तो दिन ही नहीं बनेगा ना। बट जो जो लोग चाय नहीं लेते हैं आप ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी के साथ अपना दिन का शुरुआत कर सकते हैं नाश्ते के साथ। अब बात करते हैं हम मिड ब्रेकफास्ट की। नाउ मिड ब्रेकफास्ट के अंदर कभी कभार ऐसा होता है कि पानी बहुत भर गया है, सप्लाई नहीं है फ्रूट्स की, या फिर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे फ्रूट्स नहीं मिलते हैं, या फिर आप तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं चीज़ें, है ना। सो ऐसी सिचुएशन में मॉनसून में हम एडवांस में अपने लिए नारियल लेके रखेंगे और हम बनाएंगे 2 सिंपल इंग्रेडिएंट्स से लड्डू, और इतने यम्मी लड्डू बनते हैं। वो कैसे बनाने हैं, कोकोनट एंड जागरी का लड्डू। चलते हैं किचन में।
चलिए जी, अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। मिड ब्रेकफास्ट के लिए हमें चाहिए यहाँ पे लड्डू। अब लड्डू बनाने के लिए कुछ तामझाम हमें ज़्यादा नहीं करने का। हमारे को दो सामान चाहिए, एक नारियल और एक गुड़। नारियल ये पूजा वाला नारियल है, धोकर अच्छे से मैंने टिश्यू पेपर से क्लीन करके इसको ड्राई कर दिया है, परत नहीं उतारी है। अब हम इससे बनाएंगे लड्डू, 5 से 10 मिनट में बन जाएंगे और बना के रख लेंगे हफ्ते भर का। चलो चलो जी, ये रहा मेरा सुख दुख का साथ ही मेरा ब्लेंडर, इसके अंदर डाल दिया मैंने सारा नारियल। ये मैंने इसको करना है ब्लेंड अच्छे से। कद्दूकस करने का मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं ये ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। कद्दूकस करने का आपके पास टाइम है तो आप वो कद्दूकस करेंगे, उसको ग्रेट कर लेंगे। ओके जी, सो यहाँ पे है मेरा पैन रेडी हो रहा है, गर्म हो रहा है बेसिकली। इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी जी मेरा घी, 1 चम्मच, 1 और चम्मच। चलिए अब इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा ग्रेटेड कोकोनट। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। सिम आंच पे 3 से 4 मिनट तक इसको कंटिन्यू हम पकाते रहेंगे और हाथ ऐसे चलते रहेंगे। ओके जी, सो अब हम डाल देंगे इसमें हमारा गुड़। 2 चम्मच मैंने गुड़ डाले हैं 1 नारियल में। अगर आपके पास गुड़ पाउडर हो, जैगरी पाउडर, वो बहुत ही बढ़िया है। मेरे पास था नहीं, सो मैंने जो गुड़ था साबत उसको मैंने कट कर लिया था। अब इसको खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे सिम आंच पे। हाँ, मेक श्योर सिम आंच पे चलाते रहेंगे हाथ को, अदरवाइज ये पूरा स्टिकी स्टिकी हो जाना है। खूब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। खुशबू अच्छी आ रही है, 3 से 4 मिनट तक के लिए खूब अच्छे से पकाएंगे। ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसे ठंडा करेंगे। ओके जी, तो ये हम यहाँ पे लेंगे। यस, ये रहा हमारा लड्डू। ओके जी, दिस लड्डू रेडी, एक खाएंगे हम मिड ब्रेकफास्ट में। वेलकम बैक जी। एक ही लड्डू खाना, ये इतने टेस्टी हैं, मैंने जब टेस्ट करा था मैं 3 खा गई थी, बट आप लोग सिर्फ 1 खाएंगे, सिर्फ 1। अब हम बात करते हैं लंच की। लंच के अंदर मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, या तो आप दाल के चीले खाएंगे या फिर आप खिचड़ी खाएंगे। दाल के चीले में मूंग दाल का चीला, ग्रीन मूंगे की दाल का चीला, किनुआ ओट्स वाला चीला, या फिर आप मसूर की दाल का चीला, इनमें से कोई भी चीले आप यूज़ कर सकते हैं, आप खा सकते हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं खिचड़ी की। मूंग दाल की खिचड़ी, किनुआ दाल की खिचड़ी, किनुआ सैलेड, वेज वाला किनुआ सैलेड, या फिर आप साबूदाना की खिचड़ी, आप इनमें से कोई भी खिचड़ी अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं और ले सकते हैं। सो लंच में हमारी दालों का होना बहुत ज़रूरी है, मानसून में स्पेशली, नहीं तो बाल जो है ना बिल्कुल झड़ जाएंगे और उसके बाद बालों का ट्रीटमेंट कराने के लिए PRP और बड़े महंगे महंगे सामानों पर पैसे खर्चोगे। सो मेक श्योर ये चीज़ों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। अब हम बात करते हैं इवनिंग के टाइम पे, शाम को अब हम क्या लेंगे। शाम को रिसेंटली मैंने एक मॉनसून की हर्बल टी डाली थी, इसको हम ऐड करेंगे अपनी इवनिंग की टी में। इसके साथ आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी सीजनल फ्रूट नहीं मिल रहा, मुट्ठी भर ब्लैक चना या फिर मुट्ठी भर मुरमुरा बिना नमक का, आप ये लेंगे। अब हम बात करते हैं डिनर की। सो डिनर में हम ऐसा क्या लेंगे जो कि हमको फिलिंग भी करे, शांति से हमको सुला भी दे। नंबर 1 हम बात करते हैं गुड स्लीप शेक। ये रहा, कसम से कह रही हूँ जिन जिन को पिलाया सब बड़ी शांति की नींद में सोए हैं, ये वाला गुड स्लीप शेक लेंगे। ये लेने का मन नहीं है, काटा मार दो। टमाटो सूप लेने का मन नहीं है, काटा मार दो। पम्पकिन सूप भी लेने का मन नहीं है, काटा मार दो। नारियल एक्स्ट्रा पड़ा है, सेब एक्स्ट्रा पड़ा है, कोकोनट एंड एप्पल सूप, ये भी लेने का मन नहीं है, चलो जी काटा मार दो जी। इधर आ जाओ जी, दाल घिया सैलेड लेने का मन नहीं है, हटा दो जी, साइड करो उसको भी। नेक्स्ट आता है हल्दी वाला दूध। अब हल्दी वाला दूध भी लेने का मन नहीं है तो पिज़्ज़ा पास्ता तो यहाँ पे खाएंगे नहीं ना बेटा। इन सब में से ही कोई भी एक ऑप्शन हम अपने लिए चूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। नाइट ड्रिंक
रात को सोने से पहले मेक श्योर आप जीरा टी पीकर सोएंगे। जीरा टी, पिंच ऑफ जीरा 2 कप पानी में उबालेंगे, जब तक 1 कप हो जाएगा छान के उसे पियेंगे। कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इस डाइट के साथ फॉलो करने के लिए, अपने पैरों पे रोज रात को विक्स लगाकर सोएंगे या फिर वैसलीन लगाकर सोएंगे। स्टीम, भाप पूरे मानसून में, दिन में 1 बार स्टीम आपको ज़रूर लेनी है। कपूर, जिसे हम पूजा में यूज़ करते हैं, कपूर, कपूर और विक्स डालकर दिन में 1 बार भाप ज़रूर लेनी है। और बेस्ट टाइम है रात को सोने से पहले, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो ना, तो सोने से पहले भाप लेकर डेफिनेटली सोना है, पक्का सोना। और उन लोगों के लिए जो डेली बेसिस पे मॉनसून में बाहर जाते हैं। सो यार, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस डाइट चार्ट। मेक श्योर आप किसी एक बंदे को अपना वेट का ट्रैकर डेली बेसिस पे भेजो, ताकि आपका वेट ट्रैक हो सके, मेंटेन हो सके, और आप बिल्कुल भटको मत, बिल्कुल मत भटको। किसी, अगर भटकने का आपका मन करा या चीज़ें हुई, अपने टाइट कपड़े पहन के देखो ना, आपको जब टोन और फ्लैक्स नज़र आएंगे ना, आप तब बिल्कुल नहीं भटकोगे। So yeah, that's it about this video guys. So I'll see you soon in my next upcoming video. Till the time, take care, Z. Bye bye.